ये चुटकुला। Hey guys, good morning, welcome to Asam का vlog. Hey guys, good morning, welcome to Asam का vlog. आज है third July and बारिश की अभी भी कमी की कोई आशंका नहीं है. गलत बोला. ओके अरे जो भी है यार, बारिश नहीं कम रही है. शू करूँ दिमाग मतलब क्या मतलब मेरे को आज सैटरडे है, आज बाहर जाना था. मतलब सैटरडे को मुझे बंगाईगा जाना था लेकिन सारा प्लान हो गया. जो बट यार कैसी बारिश है बताती हूँ मैं आपको. इट्स वेरी ट्रेजेडिक. रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, अरे रात को हुई कि नहीं तो सॉरी तीता नहीं पता, लेकिन रात को कमी थी बारिश. ठीक है, शाम के टाइम पे थोड़ी सी कमी थी बारिश. आफ्टर दैट 8 बजे तक भी बारिश नहीं थी सुबह को. अभी बज रहे 9:30. मैं सोची उठ के आराम से जाएंगे आज साइकिलिंग वगैरह करने, थोड़ा बाजार वगैरह जाना था. हाँ लेकिन बारिश का क्या करें, नाचे हम नाचे. ठीक है, मैं ब्रश करके आती हूँ गाइज, उसके बाद बाढ़ करते हैं. यही सब करना पड़ेगा घर पे बैठ के, और क्या ही करूँ. बात रियलाइज़ कर रही है अभी जब मैं रोज़ योगा करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं एक दिन योगा ना करूँ ना, मेरे को पागल जैसा फील होता है. कल मैंने नहीं किया था, रात को ना मुझे बहुत अनइजी सा फील हो रहा था. मतलब कुछ हुआ है, कुछ मिस हुआ है. और मेरे थाइस को ना ऐसा लगता है भाई तूने कुछ तो मिस किया. अभी मैंने योगा किया, अभी आई एम फीलिंग सो गुड. एक बात मतलब शेयर करनी थी कि ना, मतलब अगर आप जिम नहीं जा पा रहे, लोग जिम जाते हैं, लोग इतना कुछ अपने हेल्थ के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए, लेकिन मैं तो जिम नहीं जा सकती ऑब्वियसली. और जिनके पास भी ऐसा होता है ना कि सच में पैसा नहीं है जिम जाने के लिए, फिर घर पे ना घरेलू जुगाड़ लगा लो. जगह भी नहीं है ना तो बिस्तर पे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किया करो. हे भाई तुमने आज पुशअप किया है? नहीं किया का है वे, तुम इतना लंबा है ना, मेरा आता नहीं है. मतलब देखो मुझे हील पहनना पड़ेगा घर के अंदर. हाँ अब ठीक है. I don't want to bring him in my vlogs, लेकिन वो आ गया था तो इतना इग्नोर नहीं कर सकती मैं. उसको पसंद नहीं करती आजकल, उसका और मेरा झगड़ा हुआ है. उसको मैं कभी व्लॉग में नहीं आऊँगी, निकाल दिया मैंने उसको. वो मुझे बहुत सुनाया, मैं भी उसको बहुत सुनाया, फिर उसने मेरे को नहीं बोलेगा छोड़. भाई बहन का झगड़ा होता है, अगर भाई बहन का झगड़ा नहीं होगा तो किसका झगड़ा होगा. घरेलू जुगाड़ लगा के ना गाइस एक्सरसाइज वगैरह किया करो. मैं वही करती हूँ, घरेलू जुगाड़ लगा के जो भी पॉसिबल होता है. घरेलू जुगाड़ नहीं मतलब घर पे ही जितना कर सकती हूँ. मतलब मेरे पास जगह नहीं होता तो मैं बिस्तर पे ही हमेशा करती हूँ. लेग्स पुलअप, पुशअप नहीं करती, सॉरी क्या नाम था उसका, अरे जितना भी योगा का स्टेप्स होता है ना थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ. चाइल्ड पोज वगैरह जितना भी होता है मेरे से कर लेती हूँ, लेकिन आदत बन गया है मेरा, बहुत गंदा आदत बन गया योगा का. और जो लोग योगा करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज में फिट रहते हैं बॉडी में, तो वो लोग समझ सकते हैं ना मेरा बात, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की दुआ. चल रही थी प्लानिंग. क्या मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया? और नहीं अभी भी 5 मिनट बाकी है. अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ अपना. मेरा ब्रेकफास्ट है बैगन भाजा और रोटी, रोटी और विद बैगन भाजा. यहाँ पे भात दिख रही है ना, एक्चुअली भात वो लोग खाया, मैंने नहीं खाया, और अभी मैं इसको खा रही हूँ. कुछ टाइम बाद कुछ और खा लूँगी, यहाँ पे ज़्यादा बैगन भाजा बचा नहीं है ना इसलिए से ना. ये हमारे ट्री के है, हमारे अपने घर का गाछ का है. ये सब इतना मस्त चिल्ली बनाया, एकदम तीखा. घर पे चिल्ली, घर का चिल्ली, देखो मस्त है ना. मेरी मम्मी बहुत खुश है इसके वजह से, ये घर का है. छोटा से लेके बड़ा चिल्ली सब कुछ है यहाँ पे. मैं छोटा चिल्ली को अभी कैसे करके खा रही हूँ पता है? पहले रोटी ले रही हूँ, फिर बैंगन भाजा ले रही हूँ, ऐसे करके मुँह में डाल रही हूँ, और उसके बाद इसको ऐसे काट के मज़ा आ गया. एक्चुअली ना पानी बार बार इसमें भरना पड़ता है मुझे, इसमें भर भर के फिर पीना पड़ता है. ये मेरा 1 लीटर का बोतल, इसका मैं तीन बार तो पीती हूँ. मतलब 3 बार दिन में, फिर 3 लीटर ऑफ वाटर मेरा हो जाता है पीना. इसी तरह माप में पीती हूँ एकदम पानी, कभी ज़्यादा कभी कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि पानी को एकदम सही से मतलब नाप तोल के पिया जाता है. क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो मैंने कितना लीटर पानी पे एक दिन में,
और अगर मैंने भूल अगर मैं भूल गई तो गड़बड़ हो जाती है यार, फिर दस मतलब कुछ अनइजी सा फील होते रहता है मुझे, उसकी वजह से पीना पड़ता है एकदम माप माप के, नाप तोल के पानी। आप भी पियो पानी। कटहल, कितना सारा कटहल, मजा आ गया एकदम। आज तो बहुत बहुत खुश हो गया मैं, तुम्हें भाई बहन सब देखो बैठ गया खाने के लिए, हम भी बैठ गया खाने के लिए। है मैम हमारा जल बैठ गया खाने के लिए, पर अभी कैमरा लेके व्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ कैमरा तो दिखाना पड़ेगा ना, इतना सारा कटहल, लोभ लगेगा मैं खा के दिखा रहा, देखो लोभ लगेगा ना देख के, लोभ लगेगा बोले लोभ लगेगा ना। गाइस आप लोग को खाओ यार कटहल, जिनको नहीं पता कटहल क्या होता है, जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट शट अप, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही बोलेगा, मतलब गंदा ही बोलेगा, मुंह इसका इतना खराब है। मम्मी जल्दी लाओ, सोच खराब है हमारे, खावा दीबा, मेरा थिंकिंग खराब है। मेरा मम्मी मुझे कितना खिला के देता था, शादी के बाद कौन खिला के देगा यार। ब्लॉग्स में कॉपीराइट लगाने का बाप है बाप, मतलब हमेशा गाना गाएगा मेरे चैनल पे। मैं बोल रही हूँ तुम खुल का खोल लो, लेकिन नहीं खोलती है। क्या खाना आंटी मेटा खाना तो हमारे भालो बच्चा सब खाई, खराब भालो सब खाई, हमारा भद्र बच्चा को ना ऐसे इसके अंदर एक बीची होता है, ठीक है। ओए शैडो दिस ना रे हट तो, ये जो सीट को ना ऐसे निकाल के फेंकना पड़ता है, तब इसके बाद इसको ऐसे वो में डालो अपना विटामिन। डार्कनेस बहुत है रे अपन का घर में, क्या करूं क्योंकि हमारी जिंदगी में डार्कनेस। खुलना जोर से ना, सब कोई बैठ के कटहल खा रहे, मम्मी भाई बहन और मैं एंजॉयिंग कटहल, मजा आ गया बहुत मजा आ गया। अरे चिंटू ऐसा मत करो मेरे साथ, चिंटू चिंटू शेंटू। गाइस आपको पता है मेरे ना एक साइड में दांत नहीं है, एक टू दांत नहीं है, इसकी वजह से ना इसके वजह से मैं एक साइड से खाती हूँ, ठीक है। ऐसी ब्लॉगर हूँ मैं, क्या करूँ दांत नहीं है एक साइड में, आपको देखना है। मैं अभी नहीं हूँ, बाद में है। मैम खिचड़ी खिचड़ी आज खिचड़ी बनाना, इस बंदर को पसंद नहीं, इस बंदर को पसंद नहीं खिचड़ी, हम सब खिचड़ी खाएंगे आज, बारिश है ना, खिचड़ी को लॉक किया जाए। हाँ लॉक किया जाए, मम्मी आज सबको खिचड़ी खाया, पापा मैं तुम, तू ना खा सक उसके कटहल खा, पेट भरे था पर्क खाओ जो ना नहीं आएगा पर्क। मेरा फैमिली मैम देखो तो इधर तक, बारिश कमती हुई है यार, फाइनली धूप मतलब सनलाइट है, मतलब बारिश नहीं है, पानी नहीं है, चिपचिपा नहीं है, मैं जा सकती हूँ, चिपचिपा तो है लेकिन मैं जा सकती हूँ, बट एक प्रॉब्लम हो गया यार, गज़ब प्रॉब्लम हो गया। जिस ऐप में मैं एडिटिंग करती थी अपना व्लॉग्स का, वो ऐप काम नहीं कर रहा है अभी, वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। म्यूज़िक डालती हूँ तो अगर टाइम लैप्स म्यूज़िक डाल रही तो वो म्यूज़िक उसमें हो रहा है, मतलब किसी वीडियो में हो रहा है, मतलब दूसरे क्लिप में हो रहा है, जिसमें म्यूज़िक नहीं डालना है, बातें हैं बस उसमें भी म्यूज़िक लग रहा है। अभी मेरा दिमाग उसमें ख़राब हो रखा है, मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी है, अब वो भी बिजी है थोड़ा बहुत। एक ऐप का मुझे फिर से मतलब सजेस्ट किया है उसने, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ दूसरे ऐप में एडिटिंग करने के लिए, अगर एडिटिंग नहीं कर पाई तो मतलब मेरा व्लॉग का पता नहीं क्या होगा, रेगुलर व्लॉग्स डाल भी पाऊँगी कि नहीं। जून का मेरा जो टारगेट था वो कम्प्लीट हो गया, अभी जुलाई का मेरा टारगेट है कम्प्लीट होगा कि नहीं होगा, आज मतलब 3rd of July है, पता नहीं क्या होगा यार, बहुत परेशान लग रही है। एक मतलब एक ब्लॉग ये जो मुझे ज़िंदा रख रहा है, जो मुझे हैप्पीनेस दे रहा है, जो मुझे मतलब यू नो कीप केप्ट मी गोइंग, विच इज कीपिंग मी गोइंग, मतलब मेकिंग मी फील कि हाँ करो करो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी क्या करूँ, मतलब कैसे करूँ, अभी निकलना भी है घर से बाहर, अभी ब्लॉग शूट भी कर लिया तो मैंने आज पूरा दिन, लेकिन एडिट अगर नहीं कर पाई तो मेरा तो बेकार जाएगा ना सब कुछ, सब कुछ तो बेकार ही जाएगा। हालत देखो मेरी, मुझे शैम्पू वगैरह भी करना है, कल फंक्शन में जाना है, मतलब क्या करूँ यार, फिर भी सह लेती हूँ मैं थोड़ा, मतलब घर सर कहता है ना ऐसा, सह लेंगे थोड़ा, वही सहना पड़ेगा क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सहना, एक्सेप्टेंस एंड वही, मतलब प्रॉब्लम्स आए तो उसका सोल्यूशन निकल ही जाता है, तो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और अभी खाना नहा के खाना वाना खा के फिर निकलती हूँ मैं थोड़ा, देखती हूँ होप फॉर द बेस्ट सब ठीक हो जाएगा। का सैटरडे सीन गाइस, मैं अपना साइकिल पंप कराने के लिए जा रही हूँ, मैं साइकिल में पंप नहीं है, फर्स्ट वाला चक्का तो मैंने साइकिल में लगवाया था उस दिन, देखा था ना
व्लॉग में, तो आई होप आई मुझे लग रहा है वो दुकान बंद है आज, कहीं और से जुगाड़ लगाना, खुला है कि बंद है? वो दुकान बंद है, गजब हो गया यार अभी। ओफो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सर खत्म ही नहीं होते यार, प्रॉब्लम सर खत्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। साइकिलिंग करके शाम के टाइम पे जो सुकून मिलता है ना, और मेरे थाइस को जो आराम मिलता है, मतलब क्या बताऊँ, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, छोटू सर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है ये नेचर, ये वादियाँ, हवा जो मेरे फेस पे लगता है, बॉडी में लगता है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा सूदिंग है। ऊपर से मेरे थाइस को इतना आराम मिलता है ना जब मैं साइकिलिंग करती हूँ। साइकिलिंग मतलब मेरे डे का एक ऐसा पार्ट है, मेरे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना रहना मतलब मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगर मैं एक दो दिन साइकिलिंग ना करूँ, इतने दिन एक हफ्ता तक बारिश था, एक हफ्ता बाद बारिश कम हो गए, होप से बारिश दो तीन दिन तक ना आए, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत कंटिन्यूसली बारिश हो जाने से, फ्लड वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर भी फ्लड नहीं है, ये एरिया थोड़ा अच्छा है, अप है, ठीक है, ऊँचा है, तो इसमें फ्लड नहीं आता। अभी मैं जा रही हूँ बोंगाईगांव की तरफ, थोड़ा घूम के आते हैं, साइकिलिंग करके आते हैं, और थोड़ा कुछ काम हो पाएगा तो करेंगे। नया एक रेस्टोरेंट खुला है, ग्रीन रेस्टोरेंट, वाओ नाइस। खिदा लक्ष्य और उसको भूख लगा है, भूख। एनीवे मैं पॉज के बात करती हूँ। ये देखो टंग ट्विंग ट्विंग, अयो यू दिस पर्सन इज पीइंग देयर, गॉड। पहुंच गई मैं इसके घर, टायर्ड हो गई साइकिल चला के, टायर्ड भी लगता है लेकिन बहुत मजा। तो ना बहुत खराब किस्मत है, मेरे अपने लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, मतलब मेरे घर की मुर्गी डाल बराबर हो जाती है, मतलब सच में मेरे चैनल को ये अपने लोग ही सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे इंसान है यार। दिखाओ ना कैसे मारते हो तुम सबको, तो आपको फट जाएगी। क्या ना, चलो बाहर साइड रोटी खाओ, रोटी खाएगी की? जैसे ट्रीट करने वाली है मुझे मेरी फ्रेंड, मजा आएगा। रात के बज रहे हैं 11:30। अभी मैं रानी अंकिता हमारे बनने वाली हूँ। जोर से बात नहीं कर सकते, रात हो गई, रात के बज रहे 12:30। अभी ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकते, तो गाइस गुड नाइट। मैं कैसे लगती हूँ, मतलब ग्लो है फेस में क्योंकि जल लगा है उसके लिए, और गुड नाइट गाइस, टेक केयर।